जीएसटी परिषद पेट्रोल डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाने पर विचार कर सकता है। शुक्रवार 17 सितंबर को लखनऊ में होने वाली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के जीएसटी के तहत आने पर इसकी कीमतों में कटौती संभव है। जून में केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका के आधार पर जीएसटी परिषद से पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला करने को कहा था। सूत्रों ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को अदालत के आलोक में परिषद के समक्ष रखा जाएगा और परिषद को ऐसा करने के लिए कहा जाएगा। राष्ट्रीय जीएसटी में 1 जुलाई 2017 को उत्पाद शुल्क और राज्य शुल्क वैट जैसे केंद्रीय करों को शामिल कर लिया गया, लेकिन 5 पेट्रोलियम सामान पेट्रोल डीजल ATF प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल को कुछ समय के लिए इसके दायरे से बाहर रखा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का वित्त इन उत्पादों पर करों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। चूंकि जीएसटी एक खपत आधारित कर है, इसलिए पेट्रोल उत्पादों को शासन के तहत लाने का मतलब उन राज्यों से होगा जहां इन उत्पादों को बेचा जाता है, ना कि उन राज्यों को जो मौजूदा समय में उत्पादन केंद्र होने के कारण उनमें से सबसे अधिक लाभ लेते हैं। इसको आसान शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को उनकी विशाल आबादी और परिणाम स्वरूप उच्च खपत के साथ गुजरात जैसे राज्यों की कीमत पर अधिक राजस्व प्राप्त होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य वैट मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य का लगभग आधा है। इससे केंद्र को भी नुकसान होगा, क्योंकि पेट्रोल पर 32.80 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क और डीजल पर 31.80 रुपये प्रति लीटर उपकर मिलता है, जिससे वह राज्यों के साथ साझा नहीं करता है। जीएसटी के तहत सभी राजस्व को केंद्र और राज्यों के बीच 50-50 के अनुपात में बांटेगा। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।